तो भाई यार क्या हाल है सभी के। आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे और सभी का एक और नए वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में स्वागत है मेरे भाइयों। तो भाइयों मैं इस वीडियो में ना आप सभी को आर्क मोबाइल कैसे डाउनलोड करना है वो बताऊंगा। तो भाई सबसे इजी तरीका रहने वाला है, सिंपल भाई, कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज़ नहीं करना अपने को। सिंपल सा आपको मैं बताऊंगा वही चीज़ करनी है, ठीक है। तो भाई सीधा चलते भाई अपने फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स गो। ओके गाइस, फिलहाल मैं आज को मोबाइल स्क्रीन के ऊपर और भाई आप सभी को मेरे वीडियो के नीचे तीन लिंक्स मिल जाएंगी। तो भाई तीन लिंक्स किस चीज़ की रहेंगी? पहला लिंक रहेगा भाई एपीके का, रहेगा आर्क सर्वर का एपीके, ओके। तो उसके बाद रहेगा मेन फाइल और तीसरा भी मेन फाइल है, और दोनों फाइल्स को डाउनलोड करना है, ठीक है। मेन फाइल्स जो है वो दो नंबर और तीन नंबर पर, और वो सबको डाउनलोड करना है, ठीक है। एक ही फाइल को डाउनलोड नहीं करना है आपको, सभी को करना है। तो भाई सबसे पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ कैसे डाउनलोड करना। तो भाई जैसे आप इस लिंक के ऊपर टैप करोगे तो सीधा आप चले जाओगे क्रोम के ऊपर, या फिर आपका मतलब जो भी हो डिफॉल्ट ब्राउज़र उसके ऊपर आप चले जाओगे। उसके बाद जो है आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे क्लिक नहीं करना अपने को, आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऊपर वाले ऑप्शन पे, ठीक है। तो जैसे आप ऊपर वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे वैसे ही कुछ ऐसा इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा, ओके। तो जैसा ये नया टैब खुलता है, जैसा ये इंटरफेस आता है, आपको यहाँ पे डाउनलोड एनीवे का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे सिंपल से आपको क्लिक कर देना है डाउनलोड एनीवे पे, वैसे ही आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है, बट फिर भी मैं आप सभी को बताऊंगा भाई। ओके गाइस, फिलहाल मेरा डाउनलोड हो चुका है भाई, थोड़ा सा वाईफाई का स्पीड ज़्यादा है इसलिए हाँ हो जाता है, ठीक है। तो गाइस ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। तो एक सिंपल से आपको करना क्या है, ये हुआ है आप मेरे क्रोम के ऊपर, ठीक है। ओके भाई, इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जाना है। तो मैंने यहाँ पर पहले से डाउनलोड करके रखा था, बट मैं आपको आपके सामने इंस्टॉल करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो इस वाले ऊपर वाले फाइल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। इसको करना है इंस्टॉल, ठीक है। ओके, जैसे ये इंस्टॉल होता है आपको यहाँ पे डन कर देना है, ठीक है। और उसके बाद जो है दोनों बची हुई फाइल से उन सभी को भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो मैंने इस फाइल को भी पहले से डाउनलोड करके रखा है, सेम ही करना है भाई, जैसा आपने अभी ऐप किया है ना सेम ही वैसा ही यहाँ पर करना है डाउनलोड। ओके गाइस, फिलहाल आपने दोनों फाइल्स को डाउनलोड कर लिया, ठीक है, एपीके इंस्टॉल कर लिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ करनी है, आपको आपका एपीके जो है बस सिंपल सी ओपन करना है। यहाँ पे थोड़ा सा ये फाइल का स्टोरेज मांगेगा और उसके बाद ये सब दिखाएगा। तो जैसे ये दिखाएगा आपको सिंपल से बैक आ जाना है, इसको हटा देना है, ठीक है। उसके बाद आपको जाना है आपके फाइल मैनेजर्स में, मतलब आपका जो डिफ़ॉल्ट फाइल मैनेजर रहता है मोबाइल का उसमें चले जाना है। और उसके बाद जो है आपका इंटरनल स्टोरेज रहता है तो उसमें चले जाना है। और उसके बाद जो है आपको आपने जो दो फाइल्स डाउनलोड किए, मेन फाइल और उसके बाद और एक फाइल थी, वो दोनों फाइल्स को आपको ढूंढना है। तो वो आपको फाइल डाउनलोड वाले सेक्शन में मिल सकती है, आपने जहाँ पे मतलब आपकी जहाँ पे भी फाइल डाउनलोड हुई है तो आपको वहाँ पे ढूंढनी है उन दोनों फाइल्स को। तो मेरे डाउनलोड वाले सेक्शन में डाउनलोड हुई है तो मैं यहाँ पे ढूंढता हूँ थोड़ा सा। तो पहली फाइल रहेगी अपनी main146.com और दूसरी फाइल रहेगी patch146.com नाम से। तो इन दोनों फाइल्स को आपको मूव करना है। तो यहाँ पे आपको जाना है मूव वाले ऑप्शन पे क्लिक करके एंड्रॉयड वाले सेक्शन पे जाना है, और उसके बाद जाना है आपको ओबीवी वाले सेक्शन पे। और ओबीवी वाले सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे जो है com.studio.studios.arke, ठीक है, तो इसको ओपन करना है। उसके बाद जो है मूव टू हियर, इसको जैसे आप मूव टू हियर करोगे ये दोनों फाइल जो है वहाँ पे मूव हो जाएगी। ओके गाइस, ये दोनों फाइल यहाँ पे मूव हो चुकी है। तो अभी भाई सिंपल से आपको आ जाना है बैक, सब कुछ यहाँ से हटा देना है। और भाई एक मिनट, ये भी मैं हटा देता हूँ भाई, ये सब कुछ हटा देता हूँ भाई, ठीक है। अभी गाइस आपको आपके गेम को ओपन करना है, तो मैं यहाँ पे अपना गेम ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मेरा गेम स्पेस में गेम है, मतलब जो गेम लॉन्चर होता है, मैंने अपना गेम को ओपन कर लिया। उसके बाद जो है भाई मेरा गेम इजीली रन करने वाला है। हाँ गाइस, थोड़ा सा लैग होगा क्योंकि यार मेरा ये पुराना डिवाइस है, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा लैग होगा। मैंने पहले भी इसमें इंस्टॉल की थी गेम, ओके
अभी देख रहे हो गाइस ऑडियो आ चुका है इसका। ओके थोड़ा सा लोडिंग ले रहा है। वेट थोड़ा सा गाइस, इसका ऑडियो मैं बंद कर देता हूँ यार, अपने को ऑडियो से मतलब नहीं है। ओके तो अभी भाई मैं सिंगल प्लेयर आपको खेल के भी दिखाता हूँ ये गेम वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो सीधा से भाई जो भी है डिफॉल्ट में ही खेलते हैं भाई, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते। ओके गाइस अपना गेम यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, लेट्स गो। वेट वेट वेट, ये भाई अपने को लड़का लड़का बनना है भाई, ठीक है। ओके यहाँ पे अपने को स्पॉन करना है इजीली, मतलब जैसा होता है वैसे ही है सेम, बाकी कुछ नहीं है क्योंकि यार वही गेम है यार, कोई दूसरा गेम है ही नहीं। ओके गाइज अपना गेम यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और भाई देख सकते हो। वेट वेट वेट, इसको खुजली आ रही है भाई, ये बहुत बार इसको खुजली आती है। ओके गाइज मेरा यहाँ पे गेम स्टार्ट हो चुका है और भाई आप लोग देख सकते हो यार एकदम बढ़िया से अपन स्पॉन हो चुके हैं यहाँ पे, पता नहीं है कहाँ पे स्पॉन हुए पर जहाँ पे भी हुए अपना गेम स्टार्ट हो चुका है। हाँ गाइज थोड़ा सा मेरा गेम लैग कर रहा है क्योंकि यार मेरा ये पुराना डिवाइस है तो इसी वजह से ये थोड़ा सा लैग कर रहा है, बट कोई बात नहीं यार आप लोग इजीली इसमें खेल सकते हो। और भाई किसी भी आप डायनासोर को मार सकते हो, किसी भी डायनासोर को टेम कर सकते हो, कोई घर बना सकते हो, आपको जो करना है करो यार, इस गेम में मजा करो एंजॉय करो यार, फुल डायनो को टेम करो, मतलब एक नंबर टेम करो डायनोज को। और गाइस डाउनलोड करने में आपको अगर कोई भी दिक्कत आती है ना गेम तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ यार, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगा यार। फिलहाल गाइस ये वाली वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, आई होप कि गाइस ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर गाइस आपको आज की ये वाली वीडियो थोड़ी सी भी अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो का दीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताना यार वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं किसी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।